महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के सती दरवाजा के पास रामेश्वर गली में स्थित रामेश्वर महादेव 84 महादेवों में 29वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार त्रेता युग में पिता के आज्ञाकारी परशुराम हुए। उनके पिता जमदग्नि ऋषि और माता रेणुका थी। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से माता का सिर काट दिया। इस पर पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम परशु ग्रहण करो, संसार में तुम अजय रहोगे। उस समय हैहय वंश के कार्तवीर्य अर्जुन राजा हुआ। वह सहस्र बाहु था। उसने कामधेनु के लिए जमदग्नि ऋषि को मार डाला। तब परशुराम ने प्रतिज्ञा की कि मैं कार्तवीर्य अर्जुन की 1000 भुजाएं काट डालूंगा। उसके बाद उन्होंने सहस्त्रार्जुन की 1000 भुजाएं काट डाली और पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। इसके पश्चात परशुराम ने अश्वमेध यज्ञ किया और मरीचि पुत्र कश्यप को पृथ्वी दान कर दी। फिर भी उनकी ब्रह्महत्या दूर नहीं हुई। तब वे गिरनार पर्वत पर गए। वहां कठोर तप करने पर भी ब्रह्महत्या का दोष दूर नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने अनेक नदियों में भी स्नान किया, लेकिन उन्हें ब्रह्महत्या से मुक्ति नहीं मिली। उन्होंने सोचा कि शास्त्रों ने जो तीर्थ दान आदि का महात्म्य कहा है वह असत्य है। तब वहां नारद जी आ गए। परशुराम जी ने नारद जी से कहा, मैंने पिताजी की आज्ञा से माता की हत्या की, क्षत्रियों का विनाश किया, मैंने प्रायश्चित स्वरूप अश्वमेध यज्ञ किया, तीर्थों में स्नान किया और पर्वतों पर तप किया, फिर भी मेरा ब्रह्महत्या का दोष दूर नहीं हो रहा है। तब नारद जी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, आप महाकाल वन में जाओ, वहां जटेश्वर के पास स्थित लिंग की पूजा करो, उससे ब्रह्महत्या का पाप दूर हो जाएगा। तब परशुराम महाकाल वन में आए। रामेश्वर लिंग की पूजा से उनकी ब्रह्महत्या का दोष दूर हो गया। जो रामेश्वर लिंग का दर्शन करते हैं उन्हें वाजपेय यज्ञ से भी अधिक पुण्य मिलता है, उनका हत्या से उत्पन्न पाप दूर हो जाता है। मेरा शुभ नाम प्रेमनारायण शुक्ल। अब बताएं। हाँ, ये है कि परशुराम जी के पिता जो जमदग्नि ऋषि थे जी, उनके उनका वध सहस्त्रार्जुन ने हेय वंशी ने कर दिया था, उसके कारण वो उनको बड़ा क्रोध हुआ और उस क्रोध के कारण उन्होंने क्षत्रिय वंश को 21 बार पृथ्वी से क्षत्रिय विहीन कर दिया और उसके कारण ये फिर उनके क्रोध को शांत करने के लिए नारद जी ने उनको उपदेश दिया और उन्होंने यहाँ की सेवा करी और यहाँ की पूजा सतत आराधना करी, उसके कारण ये फिर परशुराम जी महाराज के नाम से जाने गए और परशुराम जी ने यहाँ सतत आराधना करी थी। परशुराम जी भगवान विष्णु के अवतार थे और उन्होंने यहाँ सतत आराधना करके भगवान रामेश्वर को प्रसन्न करके और उनके क्रोध को शांत किया। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।